छत्तीसगढ़ में IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मैनपाट के पहाड़ी कोरवा जनजाति के मजदूरों को बंधक बनाने की खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बागपत में फंसे उन 4 मजदूरों को सकुशल वापस ले आया। बता दें कि इन मजदूरों को गन्ने के खेत में काम करने के नाम पर लेकर ले जाया गया था और 6 से 8 हजार रुपए महीने में वेतन देने का वादा था, लेकिन इन मजदूरों को काम के बदले पैसे नहीं दिए जा रहे थे और वापस मजदूरों को घर आने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद मजदूरों ने वीडियो बनाकर आपबीती बताई। वीडियो के माध्यम से प्रशासन ने मदद से गुहार लगाई गई, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई और मजदूरों की बात प्रशासन तक पहुंचाई, जिसके बाद अंबिकापुर जिला प्रशासन ने बागपत जिला प्रशासन से संपर्क साधा और मजदूरों को सकुशल वापस लेकर पहुंचे। मैनपाट जाना चाहता हूँ मैं, यहाँ कमाने के लिए आया था दिल्ली, तो जाने भी नहीं दे रहे हैं, पैसा रुपया भी मांगते हैं तो नहीं देते हैं। क्या मैं मैनपाट का हूँ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मैनपाट क्षेत्र के कोरवा समुदाय के मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराया जा रहा था, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन 4 जो मजदूर जो बंधुआ मजदूर थे उन्हें सकुशल वापस ले आया गया। हमारे साथ वो मजदूर हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। कैसे आप लोगों क्या बोलकर ले जाया गया था आप लोगों को? हम लोग को लेकर आया गया था कि काम करवाएंगे वहाँ, आ जाओ ऐसे बोला था वो। तो फिर हम चल दिए, तो फिर काम करवा रहे थे वही गन्ना का काम। आपको क्या बोलकर ले जाया गया था? आप भी सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किए थे। मैं अरे मेरे को बोला था कि चलो काम करो उधर, उधर पैसा भी अच्छा से दूंगा। हाँ। 7 महीना गुजारोगे तो। आने नहीं दिया जा रहा था क्या आप लोगों को? नहीं आने दे रहा था। क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन को? सबको बधाई दी थी भाई, अच्छा से हम लोग को खुशल से तो लाया गया। ये 4 मजदूर को अपने घर वापसी ले आया गया है। कुंदन कुमार कलेक्टर हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं। सर क्या सूचना मिली थी और किस तरीके से कार्रवाई? करीब 2 दिन पहले सूचना आई थी और सबसे पहले सूचना मेरे को IBC 24 के अभिषेक सोनी ने ही दिया था कि सर इस तरह की है, और वीडियो सबसे पहले उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। उसमें वीडियो में मोबाइल नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मोबाइल नंबर भी मुझे मिला। वहाँ से संपर्क करने पे पता चला कि किसी रोहित का नंबर है जो बागपत में है और गन्ना कटाई में काम कर रहा है पिछले 1.5 महीने से। फिर हमारी टीम ने उनको संपर्क किया, हमारे SDM साहब ने पहले फ़ोन लगाया उनको, फिर SP महोदय ने, वहाँ के SP साहब, वो दोनों बैचमेट हैं, दोनों ने फिर बात की और उसी अगले दिन का ही टिकट शाम का इनका कटा, कटनी से फिर यहाँ पे आ रहे हैं ये लोग। तो ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे दी है और उनके प्रयास से ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने, मैंने और SP साहब ने, इन लोगों को वो रेस्क्यू करके लाया गया है। बहरहाल इन 4 मजदूरों को सकुशल वापस ले आया गया है, अब इन्हें अपने गृह ग्राम सुपलगा ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ आकाश प्रधान IBC 24 अंबिकापुर।